हे एवरीवन, कशिश इन दिस साइड ऑल द वे फ्रॉम पीके मेकअप स्टूडियो सूरत। सो मैं आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। सो आपको लुक देख के आइडिया आ रहा होगा कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। यस, आप लोगों ने सही गैस किया है, मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ग्लैम लुक, ग्लैम पार्टी लुक आप बोल सकते हो इसको। सो इसमें मैं डिटेल में आपको क्या सिखाने वाली हूँ उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। सो डिटेल में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हुडेड आई मेकअप पे आपको किस तरह से आई मेकअप करना चाहिए, किस तरह से आपको डार्क सर्कल ईजिली आप कैसे हाइड कर सकते हो, उसके साथ ही साथ काफी सारी लिपस्टिक टेक्निक भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, और उसके साथ ही साथ में लॉन्ग लास्टिंग बेस आपको कैसे बनाना है वो भी आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो हमने कर दिया है स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट मैंने किया है फेस क्लीन। फेस क्लीनिंग के बाद मैंने यूज किया है रोज वाटर जो कि है TNW ब्रांड का। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप से। जैसा कि आप आईज देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हुडेड आई है। हुडेड आई का मतलब आप लोग सब जानते ही होंगे। सो मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि हुडेड आई का मतलब क्या होता है, हुडेड आई हम किसे बोलते हैं। वैसे तो आप वीडियो में देख के आइडिया लगा ही सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। सो आईज पे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैंने कंसीलर लगाया है और कंसीलर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आपको कोई भी एक या दो टोन फेयर शेड यूज़ करना है कंसीलर का। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। आई मेकअप में मैं सबसे पहला शेड जो ले रही हूँ वो है लाइट ब्राउन कलर, और ये ब्यूटी ग्लेज पैलेट में से मैंने लिया हुआ है, जो कि आप सब लोग जानते हो। आप लोग सब बोल रहे थे गॉर्जियस मी पैलेट से आप आई मेकअप दिखाइए। सो आज जो आई शेडो के लिए मैं पैलेट यूज़ करी हूँ वो है ब्यूटी ग्लेज की गॉर्जियस मी पैलेट, जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है और उसके पिगमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो अच्छे से मैंने लाइट ब्राउन कलर अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूँ एक मरून कलर का आई शेडो। सो इस तरह से ही 3 डॉट्स मैंने क्रिएट किए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने 3 डॉट क्यों क्रिएट किए हैं। सो ये टेक्निक को हम बोलते हैं 3 डॉट टेक्निक, जो स्पेशली यूज़ होती है हुडेड आईज़ के लिए। ये इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमें क्या होता है ना, जब भी हम हुडेड आई पे मेकअप करते हैं तो हमें शेप का आइडिया नहीं आता है। तो ये 3 डॉट वाली टेक्निक से आपका शेप जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, आप ईजिली आई मेकअप कर पाएंगे। सो इस तरह से पहले 3 डॉट्स बनाएंगे एंड देन उसको जोड़ेंगे और फिर आप ब्लेंड करेंगे। तो 2 शेड्स हम ले चुके हैं, पहला था लाइट ब्राउन एंड दूसरा था मरून। अब देखिए आ गया कि कितनी अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें होने वाली है। उसके बाद मैं पिकअप कर रही हूँ ब्लैक जेल लाइनर और उसे मैंने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर दिया है, और उसे हम कम्प्लीटली स्मज करेंगे पीछे। और स्मज करने के लिए आप यूज़ करेंगे मरून कलर का आई शेडो, और उसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर का आई शेडो भी उस पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ब्लैक का जो लुक है वो थोड़ा डार्क आए। सो इस तरह से आप आपके ब्लैक आई शेडो को डार्क बना सकते हैं। जब भी ब्लैक आई शेडो हम लगाते हैं तो ब्लैक आई शेडो का पिगमेंट इतना ज़्यादा उठता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर आप ब्लैक आई शेडो लगाइए। सेम दूसरी तरफ ब्लैक जेलर अप्लाई करने के बाद उसे कम्प्लीटली स्मच करना है। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं क्रीज लाइन, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है। सो क्रीज लाइन बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है वाइट आई बेस। सो आप ओपन आइज़ में भी गाइडलाइन ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं एक लाइन को कि आपकी आइज़ ओपन कीजिए, और ओपन आइज़ में आपको क्रीज लाइन का शेप इजीली मिल जाएगा। सो मैंने भी, आपने देखा होगा, सी मैं भी ओपन करवा रही हूँ बार बार ताकि मुझे क्रीज लाइन की गाइडलाइन इजीली मिल जाए। सो क्रीज लाइन बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है वाइट आई बेस। आप चाहे तो कोई भी कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप सुप्रा का फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन, यू कैन यूज़ एनीथिंग। सो इस तरह से मैंने सबसे पहले क्रीज लाइन क्रिएट कर दी है, और फिनिशिंग देना इट्स कंपलसरी टू डू। एंड आफ्टर क्रीज लाइन हम मेन शेड्स अभी डालेंगे। सबसे फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया है एक बेज कलर के आई शेडो से। सो मैंने इनर कॉर्नर पे वो आई शेडो लगा दिया है, एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ मरून कलर का आई शेडो। सो वो मैंने सेंटर में लगा दिया है। सो ये 2 कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। पहले हम लाइट मरून यूज़ करेंगे, उसके बाद हम डार्क मरून यूज़ करेंगे। मेरे पास 2 कलर है, आप उसे बर्गंडी शेड भी बोल सकते हो, बर्गंडी शेड आप कह सकते हो उसे। सबसे पहले वाइट, उसके बाद आ गया हमारा मीडियम शेड, उसके बाद आ गया डार्क शेड एंड देन डार्कर। इस तरह से हमारा आई मेकअप होता है लाइट टू डार्क की तरफ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेज का वाइट जेल लाइनर, और मैं क्रीज लाइन पे वाइट जेल लाइनर दे रही हूँ। सो इससे क्या होगी, आपकी जो हुडेड आइज़ है वो और बड़ी दिखेगी और एनहांस होके दिखेगी। तो हमेशा ये मेक श्योर करना कि आप हुडेड आइज़ पे क्रीज लाइन पे कुछ क्रिएटिव वर्क करो। जैसे आपने ग्लिटर लाइन देनी है, या तो आप वाइट लाइनर दे सकते हो, कुछ भी अगर आप लाइन क्रिएट करोगे तो आपका आई मेकअप ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा।
नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ लाइनर, और लाइनर मैं काफ़ी सिंपल सा क्रिएट कर रही हूँ, हम कोई भी विंग लाइनर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैंने लाइनर अप्लाई किया उसको मैं पीछे से स्मज भी कर रही हूँ, सो आप लोग भी स्मज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। सेम दूसरी तरफ भी मैंने लाइनर अप्लाई कर दिया है, और पीछे से मैं इसे ब्लैक आई शेडो के साथ मर्ज कर दूंगी, या तो आप स्मज बोल सकते हो, स्मज या मर्ज। और एक और चीज़, आप लोग सब जानते हो कि मैं जेल लाइनर के ऊपर लिक्विड लाइनर तो ज़रूर अप्लाई करती हूँ, सो मैं वही कर रही हूँ। सो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि आपका फेवरेट इंडियन मेकअप आर्टिस्ट कौन है। मैं देखती हूँ आप में से कितने लोग हैं जिनकी पसंद मैं हूँ, वो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। सो आप लोग कमेंट डाउन करिए और फटाफट बताइए आपका फेवरेट इंडियन मेकअप आर्टिस्ट कौन है, लेट्स सी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई किया है, हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा लगाने के बाद हम यूज़ करेंगे लैशेस, लैशअप के लैशेस में यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से मैं उसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी एंड देन उसको स्टिक आउट करूंगी। नेक्स्ट मैंने अच्छे से फेस क्लीन कर दिया है, एंड आफ्टर दैट मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है नीविया का, क्योंकि मेरी मॉडल की स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। एंड मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो का प्राइमर। आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स है फेस पे, सो डार्क सर्कल छुपाने का इजी टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर का करेक्टर, जो कि है ला गर्ल ब्रांड का, आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर मैंने कंसीलर यूज़ किया है, एंड कंसीलर मैंने यूज़ किया है फेरर रोशी कॉस्मेटिक का। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगाते हैं तो वो स्किन के नेचुरल शेड का होना चाहिए, या तो डार्क शेड का होना चाहिए। आप लोग सब ये पूछ रहे थे मुझसे काफ़ी बारी, मेरे कमेंट जा रहे थे कि कौन से शेड का कंसीलर लगाना है, तो उसका ये आंसर है कि आपको या तो डार्क शेड लगाना है या तो नेचुरल। सो आज हम यूज़ करने वाले हैं बॉबी ब्राउन का बेस। सो मैं यूज़ कर रही हूँ बॉबी ब्राउन फाउंडेशन, जिसका शेड है वार्म नेचुरल और नंबर है 4.5। सो अच्छे से मैंने फेस पे अप्लाई कर दिया, ऑल ओवर फेस पे। एंड अप्लाई करने के बाद अब इसे ब्लेंड करेंगे। बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन जो है वो काफ़ी नेचुरल लुक देता है, और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बॉबी ब्राउन ही नहीं, मुझे काफ़ी सारे और भी मेकअप ब्रांड्स पसंद है। सो आप लोग कमेंट डाउन करके बताओ कि आपका फेवरेट मेकअप ब्रांड कौन सा है। जैसे कि मेरे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप लोग के भी अगर दो तीन है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो। सो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि आपका फेवरेट मेकअप ब्रांड कौन सा है। और एक और था मेरा क्वेश्चन, आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने पूछा था कि आपका फेवरेट इंडियन मेकअप आर्टिस्ट कौन है। कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। अगर मैं आपकी फेवरेट इंडियन आर्टिस्ट हूँ तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मेंशन जरूर करिएगा, मैं आपकी स्टोरी री शेयर करूंगी। लेट्स सी आप में से कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, एंड वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होगी अगर इंस्टाग्राम पे आप मेरे लिए स्टोरीज पोस्ट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं हुडा ब्यूटी का टेंटोर फॉर द फेस कॉन्टोरिंग, और आज मैं थोड़ा सा ब्राउन फेस क्रिएट करने वाली हूँ, मतलब हम थोड़ा ज़्यादा कॉन्टोर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज ग्लैम मेकअप लुक है। सो ग्लैम मेकअप लुक जो होता है उसमें कॉन्टोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि आपका कॉन्टोर अच्छे से हो, शार्प फेस देखे। सो हम एकदम शार्प फेस क्रिएट करने वाले हैं, और शार्प फेस के लिए आपको इसी तरह से गाइडलाइन देनी है जिस तरह से मैंने मेरी मॉडल के फेस पे गाइडलाइन दी हुई है। उसके बाद मैं कर रही हूँ ब्लेंड, एंड आफ्टर द कॉन्टोर आप एक ड्रेस्टिंग चेंज देख सकते हो मॉडल के फेस में, कि कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है फेस में। एंड लिप कॉन्टोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ग्लैम या पार्टी मेकअप लुक कर रहे हैं तो आपको लिप कॉन्टोर देना चाहिए। सो ये अच्छे से मैंने कर दिया है ब्लेंड। उसके बाद हम कर रहे हैं फेस हाइलाइटिंग, और फेस हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ कंसीलर, जिसका नंबर है वाइट आइवरी, जिसका नेम है वाइट आइवरी, शेड का नेम मैं बता रही हूँ। आप इसे काफ़ी सारे लोग प्रोडक्ट के बारे में पूछते कमेंट सेक्शन में, सो आप प्लीज़ अच्छे से ऑडियो सुनिएगा, क्योंकि मैं ऑडियो में हर एक प्रोडक्ट का डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ, डिटेल रिव्यू आपको बताती हूँ। सो ऑडियो ज़रूर सुना करें जब भी आप ये वीडियो देखें। उसके बाद मैं इसे कर रही हूँ ब्लेंड अच्छे से यूजिंग अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर, और हम अच्छे से इसे सेट कर रहे हैं, और ये अंडर आइज़ भी मैंने कम्प्लीटली ब्लेंड कर दिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। सो अंडर आइज़ जो थे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे, तो मैंने अंडर आइज़ में यूज़ किया है येलो लूज़ पाउडर, या बनाना लूज़ पाउडर भी कह सकते हो। सो मैंने मेकअप स्टूडियो का बनाना पाउडर यूज़ किया है अंडर आइज़ में, और अच्छे से बाकी के फेस पे भी मैंने अप्लाई कर दिया है, नोज़ ब्रिज, फॉरहेड, एवरीवेयर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं आईब्रो डिफाइनिंग, और आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्टासिया का पोमेड इन शेड डार्क ब्राउन।
अच्छे से मैंने आईब्रोज में अप्लाई कर दिया है। आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि आप जब भी आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं तो आपकी आईब्रोज आगे से डार्क नहीं होनी चाहिए। अगर आगे से डार्क होगी तो वो काफ़ी आर्टिफिशियल लुक देगी, सो आपको आगे से कभी भी डार्क नहीं करनी है। आपने देखा होगा काफ़ी बार ये लोग आगे से डार्क कर देते हैं, फिर वो काफ़ी हॉरर दिखता, अच्छा नहीं दिखता इन शॉर्ट। सो आगे से आपको डार्क नहीं करना है। नेक्स्ट, हुडेड आइज़ को इन्हांस करने के लिए मैं यूज़ करी हूँ वाइट काजल। सो जब भी हुडेड आइज़ आती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वाइट काजल अप्लाई करूँ। उसके बाद मैंने जेल लाइनर लिया है और लोअर लैश लाइन पर लगा के उसे अच्छे से मैं स्मर्च कर रही हूँ, प्रॉपरली मैं स्मर्च कर रही हूँ। एंड स्मर्च के लिए मैं यूज़ करी हूँ मरून कलर का आई शेडो, ताकि वो मरून वाला इम्पैक्ट हमारे लोअर लैश लाइन पे भी आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। सो जब भी हुडेड आइज़ आए, आपको थोड़ा सा ब्रॉड काजल ही लगाना है, जैसा मैंने लगाया हुआ है वीडियो में उसी तरह से आपको भी अप्लाई करना है। उससे आपकी हुडेड आइज़ का जो लुक है वो और ज़्यादा उठ के दिखेगा। आप बिफोर और आफ्टर में कंपेयर कर सकते हो कि कितना अमेजिंग लग रहा है हमारा मेकअप लुक। अच्छे से मैंने कर दिया है ब्लेंड, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जस्ट वेट एंड वॉच कि आफ्टर हाइलाइटर कितना ज़्यादा चेंज आने वाला है मॉडल के फेस में। सो वेट करिए फाइनल लुक के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ये मेकअप लुक में। सो मैंने अच्छे से बाकी जो भी लूज पाउडर था उसे हमने डस्ट ऑफ कर दिया, निकाल दिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेस ब्रॉन्जर। सो फेस ब्रॉन्जर मैं क्यों यूज़ करती हूँ वो मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि हमें ब्रॉन्जर क्यों यूज़ करना चाहिए या ब्रॉन्जर का क्या यूज़ है हमारे मेकअप फील्ड में। देखते हैं आप में से कितने लोग सही आंसर देते हैं। वैसे अगर आप गलत आंसर भी देंगे तो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि ब्रॉन्जर का यूज़ क्या है। सो अच्छे से नोज़ पे भी मैंने अप्लाई कर दिया है और लिप्स पे भी मैं लगा रही हूँ, ब्रॉन्जर ही हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही नॉर्मल हाईलाइटर जो कि जस्ट 350 का है, और इसका सिर्फ आप शाइन देखिएगा कि कितना अमेजिंग ये लगने वाला है। सो यू कैन सी द ग्लो ऑन द फेस। मतलब जब भी ग्लैम मेकअप की बात आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टोर एंड हाईलाइट। आपका कॉन्टोर एंड हाईलाइट परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। सो अच्छे से जहाँ जहाँ पे हाईलाइटिंग हमारे एरियाज हैं वहाँ पे मैंने हाईलाइटर लगा दिया है। चीक बोन्स ले लो, उसके बाद नोज ब्रिज ले लो, फॉरहेड पार्ट, एवरीथिंग। नेक्स्ट इट्स टाइम फॉर द लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक की टेक्निक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने आप सबसे बताया था, येस आई एम गोइंग टू शेयर इट। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है ब्राउन कलर का लिप लाइनर। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पूरा लुक है वो पूरा ब्राउन की तरफ जाए। अगर मैं रेड लिपस्टिक लगा दूंगी तो वो काफ़ी अपोजिट हो जाएगा, तो मैंने लिप्स पे भी थोड़ा सा ब्राउन लुक ही करने वाले हैं। सो हम लोग न्यूड लिप क्रिएट करने वाले हैं। सो ब्राउन के बाद मैंने एक न्यूड शेड अप्लाई किया है जो कि मैक का, एंड जिसका शेड नेम है बॉन्ड स्पाइस। सो मैंने ये शेड लगा दिया है। अब मुझे लिप्स को थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना है, तो 3D इफेक्ट देने के लिए मैंने थोड़ा सा आई शेडो लिप के बॉर्डर्स पे लगाया है। सो आप वैसा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा लिप्स पे। उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, एंड लोअर लैश लाइन पे भी मैंने लगाया है थोड़ा सा। लास्ट स्टेप इज़ मेकअप फिक्सर। सो मैंने मेकअप फिक्सर लगा दिया है जो कि है OG ब्रांड का, एंड यहाँ पे हमारा लुक होता है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड इफ पसंद आई है सो प्लीज़ डू फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ऐसे ही समझदार हो। सो नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड मैं जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ और बहुत सारी नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर एवरीवन।